हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पे। फ्रेंड्स, एनटीआरओ की तरफ से बहुत अच्छी अपडेट आई है जो कि ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए है। एनटीआरओ होता क्या है? तो एनटीआरओ होता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसमें आपको विदाउट एनी फी, कोई भी फी नहीं लगेगा आपको फॉर्म भरने का, और ना ही कोई एग्ज़ाम होगा यहाँ पर, ठीक है। और आपको सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ पे आपकी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी, जो कि इसकी जो इंटरव्यू का जो प्लेस है वो आपका बेंगलोर और हैदराबाद में होगा, और जो कि 18 और 19 तारीख को यहाँ पे इंटरव्यू आपकी होगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस फॉर्म को आप बल से भर सकते हैं। मैं आपको इसमें पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या है इसकी प्रोसेस है फॉर्म भरने की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको सबसे पहले ग्रेजुएट इंजीनियर चाहिए, ठीक है। प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ये मैं आपको पहले बता दूँ, ये जो जॉब है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, जो कि 1 ईयर के लिए होगा। अगर कंपनी की सिचुएशन ठीक रही, सारा सिचुएशन अगर सही रहेगा, तो आपको ये एक्सटेंड भी किया जा सकता है, 1 ईयर से ज़्यादा भी रखा जा सकता है वहाँ पे। मैक्सिमम एज की अगर बात करें तो एज लिमिट आपको यहाँ पे 30 ईयर्स है, ठीक है। और दूसरी, अगर यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर चाहिए तो 60% है, जो कि आपका यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन बीटेक में मांगता है, ठीक है। आप कोई भी ब्रांच से हो, कोई दिक्कत नहीं है। और डिजायरेबल अगर बात करें तो डिजायरेबल यहाँ पे 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, लेकिन अगर नहीं भी आपके पास एक्सपीरियंस, अगर आप फ्रेशर हैं फिर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर मैक्सिमम एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे 1 से लेकर 5 साल तक मैक्सिमम एक्सपीरियंस डिजायरेबल है। नहीं भी एक्सपीरियंस है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका ये होगा, और ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा आज यानी 8 जनवरी से लेके ये आपका 12 जनवरी तक होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप इंटरेस्टेड हैं फ्रेंड्स तो 4 दिन बीतने में कोई भी टाइम नहीं लगता। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये फॉर्म भर देना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर आप बीटेक आपके पास बीटेक की डिग्री है, आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि जनवरी में इसकी पूरे सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। ज़्यादा दिन भी आपको नहीं लगेगा, इंटरव्यू आप दीजिए, कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, कोई फी नहीं है। आपको बस इस वेन्यू पर जाना है जो कि हैदराबाद और बेंगलोर में है, तो यहाँ पे आपको जाने में जो प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप वहाँ पे हैं तो बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड्स, इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से और अच्छे से इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से बताने का यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको स्कैन कॉपी को यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। और आपकी जो ईमेल आईडी होगी वो वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपका वैलिड होना चाहिए, और जो भी सर्टिफिकेट है आपके पास, सारे सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी विथ वैलिड वहाँ पे आपको इंटरव्यू के टाइम में लेके जाना होगा, ठीक है। ईमेल आईडी वहाँ पे आपको मैच होना चाहिए। अगर वेन्यू की बात करें, इंटरव्यू की बात करें, तो इंटरव्यू आपका 18 और 19 तारीख को होगा, ठीक है, जो कि जनवरी में ही हो जाएगा। अगर वेन्यू की बात करें तो आपको बेंगलोर और हैदराबाद में यहाँ पे होगा। ये यहाँ पे आपको एड्रेस दिया हुआ, इस एड्रेस पे आप जाके वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं। इसकी अपडेट आपको इसकी साइट पे मिल जाएगी, अगर आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर देते हैं उसके बाद आपको इसकी साइट वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इसकी साइट पे। उसके लिए आप हमेशा अपडेट रहिएगा, वैसे मैं अपडेट कर दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पे 2 फोटो यहाँ पे लगेंगे, जो कि अच्छा एकदम सही फोटो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो आपकी होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन बायोडाटा यहाँ पे आपको होना चाहिए, 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैचलर डिग्री जो भी आपके पास डिग्री है उसकी मार्कशीट होना चाहिए कंप्लीट, ठीक है। और ये सभी आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो होना चाहिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी नोटिफिकेशन जो कि एनटीआरओ की तरफ से आई थी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी मैं डिटेल्स आपको बता रहा हूँ आप कैसे इस फॉर्म को भर पाएंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको एनटीआरओ की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, तो मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे, उसके बाद बताता हूँ कैसे आप फॉर्म को भरेंगे। फ्रेंड्स, जैसे ही आप एनटीआरओ का जो साइट है वो साइट को आप खोलिएगा, तो जैसे यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट का एक देखा जाएगा, जिस रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक कीजिए। रिक्रूटमेंट पे क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में जो लिंक दिखाई दे रहा है, इस लिंक पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और नीचे वाला जो लिंक है इस लिंक पे आपको फॉर्म फिलअप करने की प्रोसेस पता चलेगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ द ग्रेजुएट इंजीनियर, ठीक है, 18 और 19, इंटरव्यू बेंगलुरु एंड हैदराबाद। तो इसको आप जैसे ही ओपन कीजिएगा, यहाँ पे ओपन करते ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, ग्रेजुएट इंजीनियर। और उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर दिख रहा है, तो इस एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे तो यहाँ पे आपको बताएगा नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्चुअल है, ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और देख लीजिए कि एक्सपीरियंस और नहीं एक्सपीरियंस वाले दोनों के लिए यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। तो जो नहीं एक्सपीरियंस है वो इस आइकन पे क्लिक करेंगे, और जो एक्सपीरियंस है इन सभी में से जिस चीज़ में आपका एक्सपीरियंस, जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, ऑटोमेशन में है, टेक्निकल डाटा एनालिसिस में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, नेटवर्क इंजीनियर में, नेटवर्क मैनेजमेंट में है, नेटवर्क डेवलपमेंट में, कम्युनिकेशन नेटवर्क में, ये सभी यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देख लीजिए, अगर इन सभी में से आप किसी में भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए। अदरवाइज आप कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करके, और नीचे में यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन है तो अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते ही
आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले वेन्यू चूज करना है कि आप कहाँ पे यहाँ पे इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो उस लोकेशन को आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे आप बेंगलुरु में करना चाहते हैं बेंगलुरु सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज आप हैदराबाद भी कर सकते हैं, इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ये कैप्चर डाल के यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। तो फ्रेंड्स इस तरह आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर स्कैन करके यहाँ पे मांगा तो वो आप दे दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स फिर आपको कंपनी की तरफ से ही आपको अपडेट आ जाएगी कि आपको वहाँ पे आना है या नहीं आना है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा कंपनी पे और वहाँ पे आप जाके फिर वहाँ पे आप इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू देने के बाद फिर आपको फिर कंपनी आपको बताया जाएगा आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसकी प्रोसेस मुश्किल से 10 से 20 दिन में आपका सारा कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि 18-19 तारीख को आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होते ही तुरंत ये आपको रिजल्ट दे देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है कि इस बार 500 से 600 स्टूडेंट्स के बीच में वहाँ पे बुलाया जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम लगभग 300 प्लस स्टूडेंट्स को बुलाया गया था NTRO की तरफ से, और इस बार 500 से 600 के स्टूडेंट्स को जरूर बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कुछ नहीं जाता, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले सकते हैं और साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि आने वाले नए वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।